मैं हूं डॉक्टर खान मोटिवेशन इंस्प्रेशन स्पीकर इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्पेस टाइम यूनिफिकेशन की या मिस्ट्री ऑफ स्पेस एंड टाइम इसमें बेसिकली जो जिक्र हम करेंगे वो आइंस्टाइन की दो थ्योरीज हैं जिसमें हम जिक्र करेंगे स्पेशल थियोरी रिलेटिविटी का और जनरल थ्योरी रिलेटिविटी का और ये दोनों आपस में कैबलेट भी हैं रिस्पॉन्ड भी करती हैं क्योंकि स्पेशल थ्योरी में जो जिक्र है टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन का उसका मतलब यही है के टाइम के वेरिएशन के साथ लेंथ यानी डायमेंशन जो हैं वो भी तब्दील होती हैं इसका मतलब स्पेस टाइम जो हैं वो यूनिवर्सल एब्सोल्यूट यू नहीं है वो रिलेटिव हैं एक के तब्दील होने से दूसरी चीज़ तब्दील होती है और यही जनरल थ्यूरी और रिलेटिविटी है और यही वजह है कि हम जो कहते हैं मैटर एनर्जी को तब्दील होने के लिए जहाँ वो जगह चाहिए वहाँ जो कर्व बनाएंगे जो उसकी शेप उसके मुताबिक वो ढालेंगे वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है और वही कर्वेचर जो है वो हमारी स्पेस टाइम यूनिफिकेशन है तो इस आमतौर पे हम इसकी बात करते हैं कि बॉक्स छोरी हम इस्तेमाल करेंगे अभी कि कोई चीज़ जो भी हो रही है वो बॉक्स के अंदर ही हो रही है इसको हम फोर डी कंसेप्ट भी कहते हैं यानी चार डायमेंशन तीन जो हैं वो स्पेस की एक्स वाई जेड जिसको हम लेंगस वेट्स और हाइट भी कह सकते हैं या प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर भी कह सकते हैं थ्री इन वन भी कह सकते हैं तो इसका मतलब टाइम है और कोई चीज़ जब पैदा हुई है उसने मरना भी है तो पज़ाय से लेकर मरने तक वो जो मुख्तफ शक्लें बदलेगी वक्त के साथ उसका मतलब है स्पेस टाइम यूनिफिकेशन हर चीज़ हमेशा जो है एक ही हालत में नहीं रहती वक्त के साथ साथ वो शक्लें बदलती है इसका मतलब वक्त और स्पेस जो है वो एक साथ ही चलते हैं आम जिंदगी में जब हम देखते हैं मसलन फ़र्ज करें खुदाना खासा कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपने जाके पुलिस में रपट दर्ज करवानी है तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्सीडेंट जो है फलां जगह पे हुआ है और इतने बजे हुआ है और जब आप रेबर्ज कराएँगे उस वक्त का बताना होगा यही तरीका हम हॉस्पिटल में जब ले कर जाएँगे तो आपको बताना होगा ये मरीज़ है और ये फ़लाँ जगह एक्सीडेंट हुआ है इसको ये इंजरी हुई है इसका मतलब है यहाँ इसका इलाज चाहिए तो आप उसको जब दाखिल करवाएँगे दोनों इंफॉर्मेशन बताएँगे तो उसको एडमिट करेंगे अदरवाइज़ उसको एडमिट नहीं करेंगे ये आम तौर पर यही है कि फ़र्ज़ करें मैंने किसी को मिलने जाना है तो मैं उसको बताऊंगा फलां पार्क में माऊँगा तो ये इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है वो आके वहाँ बैठा रहेगा जब तक मैं उसको वक्त नहीं बताऊँगा कितने बजे जाऊँगा और जब उसको मैं वक्त बता दूँगा इसका मतलब स्पेस टाइम दोनों मैंने बता दिए हैं उस वक्त पर वहाँ आएगा और हमारी मुलाकात हो जाएगी इस तरीके से कायनात में किसी भी चीज़ को आप देख लें हमारी अपनी ज़ात खुद है तो वक्त के साथ साथ हम बदल रहे हैं इसके अलावा हमारे प्लैनेट्स हैं प्लैनेट्स हैं सन है मून है गैलेक्सी है वो अपनी शक्लें बदल रहे हैं और कायनात में कोई भी चीज़ जो है वो अपनी मखसूस हालत में हमेशा के लिए ली जाती ख़ास बात की ली जाती है ये सारी चीज़ें इधर विचारें कर रही हैं कि स्पेस और टाइम आप में इंटरलैक्ड हैं और यूनिफाइड हैं एक ही चीज़ के दो नाम हैं अलग अलग ये एब्सोल्यूट नहीं है यही तरीका यही चीज़ें जो हैं हम एडवांस लेवल पर क्वांटम गैन में इस्तेमाल करते हैं तो हम चार क्वांटम नंबर इस्तेमाल करते हैं एन एल और एम जो हैं ये स्पेस के लिए हैं और एस जो है स्पेंद क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं ये टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको समझने के लिए सादा लफजों में हम छोटी सी मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक नदी है उसमें पानी बह रहा है या एक कुआँ है उसमें हम जब पत्थर फेंकते हैं तो जहाँ हम पत्थर फेंकते हैं उसके साथ ही उसके इर्द गिर्द जो है रिपल बनना शुरू हो जाते हैं टी वन के लिए एक रिपल बना जब टी टू हो गया दो रिपल बने उसका साइज़ बड़ा हो गया टी थ्री हो गया तीन रिपल बने उसका साइज़ और बड़ा हो गया जब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं तो ये एक कौन बनती है और इसको आमतौर पर हम जो अपने रिसर्च में इसको कहते हैं को हम कहते हैं लाइट फ्यूचर कौन कि ये फ्यूचर की बता रही है कि जब हमने पत्थर फेंका है प्रेजर का तो उसके फ्यूचर में इसके साथ क्या हो रहा है तो यानी इसकी एक्सपेंशन हो रही है इसको हम उलट दें तो यही कौन जो है ये पास्ट लाइट कौन बन जाएगी और जहाँ पे हम बैठे हैं उसके सेंटर पे वो प्रेजेंट हो जाएगी तो तीनों चीज़ें पास्ट प्रेजेंट और तो फ्यूचर को एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम सुपर पोजिशन कहते हैं इसको मरीज समझने के लिए हम बॉक्स थ्योरी का सहारा लेते हैं जिसमें चार डायमेंशन को हम इस तरीके से करते हैं कि बॉक्स जो है उसकी लेंथ वेट्स और हाइट जो है वो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हैं और उसके साथ जो उसके पैदाइश और डेथ के दरमियान जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो उसका टाइम है और कुछ भी जो होना है वो बॉक्स के अंदर ही होना है बॉक्स से बाहर कुछ नहीं हो सकता यानी कायनात जिसमें हम रहते हैं इसके अंदर ही होना है और जो चीज़ पैदा हुई है उसमें मरना भी है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इसको हम ट्रिपर पॉइंट भी कहते हैं कि मादा की तीनों हालतें को एग्जिस्ट कर सकती है ख़ास वक्त के लिए और वो खास वक्त जो है उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं या ट्रिपल पॉइंट ट्रिपल टेम्परेचर भी कहते हैं इसको जब हम समझने के लिए ग्राफ का सहारा लेते हैं ग्राफ का सहारा हम इसलिए लेते हैं कि तो ग्राफ में इंटरपोलेशन और एक्सट्रपलेशन मुमकिन होती है तो जब हम रीडिंग लेते हैं तो हम प्रेजेंट में लेते हैं तो फर्ज करें हमारे पास एक इवेंट हुआ है ए पे और पॉइंट बी पे जाके वो ख़त्म हो गया है तो ए और बी के दरमियान जो, जो फासला होगा वो इस इवेंट का जो स्पेस होगी उसकी ड्यूरेशन होगी और ए और बी ए पे क्या वक्त था बी पे क्या वक्त है इनका जो डिफरेंस है वो उसका टाइम फैक्टर होगा इस तरीके से स्पेस टाइम दोनों मिलकर हमें इन्फॉर्मेशन देंगे और जब हम इस ग्राफ को इंटरपोलेट करेंगे तो यही ग्राफ जो है वो पास की तरफ चला जाएगा यानी प्रेजेंट वाक को हम हम फ्यूचर में उसके पास में उसकी क्या हालत थी उसको भी देख सकेंगे और जब हम इसी ग्राफ को एक्सट्रोपलेट करेंगे तो वो फ्यूचर में चला जाएगा यानी ये जो इवेंट है अगर हम इसको फ्यूचर में देखना चाहें तो उसकी क्या हालत होगी इस तरीके से हम ये जो स्पेस टाइम यूनिफिकेशन है इसको देख सकते हैं इसके बाद हम एक छोटी सी बात करेंगे कि फ्रिक्स के जो आइंस्टाइन की बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि फ्रिक्स व वा फ्रिक्स वालों के लिए फ्रिक्स के लिए ये सेपरेशन मुमकिन नहीं है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की वो एक धोखा है उनके लिए वो सिर्फ इनको यही देख सकते हैं कि तीनों आपसे मिले हुए हैं हम इनको खोल सकते हैं यही वजह है कि टाइम ट्रैवल मशीन जो है उसमें हम फ्यूचर में जा सकते हैं प्रेजेंट में पास के जाना मुश्किल है और एक वक्त में वैसे भी नामुमकिन है तीनों की इन्फॉर्मेशन लेना तो अब हम अब 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 हम ये बात करते हैं कि ये आइडिया जो मैंने अभी बात की है ये मैं आया है जर्नल थ्योरी से और जर्नल थ्योरी के पहले थी स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी उसके जो कंसिक्वेंस कंसिक्वेंसेज हैं उसमें बड़े इंपॉर्टेंट कन्सिक्वेंस दो जो हैं वो है लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डिलेशन या लेंथ जो है वो चेंज होती है टाइम के हवाले से और इसका दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस है वो है इज एमसी स्केयर यानी मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और मैं एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट हो रहा है अब एक बहुत बड़ा सवाल जो हम फिजिक्स की जब डेफिनेशन करते हैं या क्लासेस में प्रोफेसर पढ़ाते हैं उसकी डेफिनेशन यही कहते करते हैं कि कानात में एनर्जी मैटर में, में कन्वर्ट हो रही है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और ये कन्वर्शन जो है ये फिजिक्स है हालांकि यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो या मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो वो हो कहाँ रहा है उसके लिए कोई जगह तो चाहिए ना तो वो जगह जो है वो स्पेस टाइम प्रोवाइड करता है स्पेस टाइम कर्वेचर प्रोवाइड करता है जहाँ ये चीज़ें होती हैं बहुत लो लेवल पे जब हमने बात करनी है मसलन इस वक्त मैं आपके सामने सोफ़े में बैठा हूँ तो मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे जगह भी चाहिए थी, थी ना और मेरे साइज़ और मेरे डिवेंशिंग के मुताबिक जगह बन गई तो मैं जो हूँ ये एनर्जी और मैटर हूँ और जहाँ मैं बैठा हूं, वो मेरा कर्वेचर है यानी स्पेस टाइम है जिसकी वजह से मैं बैठ सका हूँ तो इस तरीके से दोनों थोड़ी जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उनको समझना आसान हो जाता है और फिर हम आसानी से समझ भी पाते हैं अब इसमें यह सवाल पैदा होता है कि ये अभी जो मैंने बात की थी जो कुछ भी होगा बॉक्स के अंदर ही होगा तो ये आगाज़ इसका कहाँ से हुआ बिग बैंग से और अख्ताम कहाँ पे होगा बिग क्रंच में तो दोनों चीज़ें जो हैं वो कैसे होंगी एक बना बनाओ है एक बगाड़ है और बनाओ का टाइम अलग है बगाड़ का अलग है और ये दोनों टाइम की मोहताज हैं जब उसका टाइम आएगा फिर ही होंगी जब टाइम नहीं आएगा तो फिर नहीं होंगी अब यहाँ जो सवाल पैदा होता है कि इसके पीछे क्या राज है कौन सी ऐसी चीज़ है अगर हमने किसी आम आदमी को समझाना है सौ मैंने कैसे समझा सकेंगे कि ये स्पेस टाइम यूनिफिकेशन जो है ये एक ही है इसके लिए हम आमतौर पर जो बात करते हैं क्वांटम टलने की बात करते हैं या क्वांटम फ्लक्चुएशन की बात करते हैं या उसके बाद क्वांटम फॉर्म की बात करते हैं जिसको हम स्पेस फॉम भी कहते हैं और यह भी पिछ, पिछली पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जिस स्पेस को हम एम कहते हैं वो एम नहीं है उसी में सार फ्लक्चुएशन हो रही है कि जो फील्ड स्पेस है उसकी जो डिस्टर्बेंसेज हैं वो एम स्पेस में हो रही हैं जैसे एम टी स्पेस के लिए फील्ड स्पेस का होना जरूरी है फील्ड के लिए एम पी स्पेस का होना जरूरी है जैसे अभी मैंने बात की है मेरे बैठने के लिए जगह का होना जरूरी है और जगह के लिए कोई बैठने वाली चीज़ का होना जरूरी है तो दोनों लाजे मलदूम हैं तो अब जब वो बात कर रहे हैं इसकी वजह क्या है सादा लहजों में इसको समझने के लिए हम जो बात करते हैं वह है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसकी हेदरबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसकी तीन शक्लें हैं तीन में से जो सबसे ज़्यादा यहाँ मैं बताना पसंद करूँगा उसकी एक शक्ल है डाटा ई इंटू डाल्टा टी इजिकल टू या ग्रेटर दैन एच कट एच ओवर टू पाई तो यहाँ डाल्टा ई जो है आमतौर पर हम बताते हैं कि ये चेंज इन एनर्जी है और डाल्टा टी जो है वो चेंज इन टाइम है तो अगर हम इसको थोड़ा सा वजाहत में इसकी बयान करना चाहें तो डाल्टा ई जो है ये किसी चीज़ की वो हालत है जिसमें वो रह रहा है कब रहे कब तक रहेगा वो डाल्टा टी है यानी ख़ास वक्त के लिए अपनी ख़ास हालत में रह सकता है अगर वो खास वक्त बदल गया तो उसकी वो हालत भी बदल जाएगी अब हम फिर क्वांटम मैकेनिक्स में जाकर देखते हैं कि इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली मैया नहीं कर सकते यानी अगर हम करने की कोशिश करते हैं एक को हम मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करते हैं दूसरा का जो डिस्टर्बेंस हो जाती है उसकी एक्यूरेसी जो है दूसरे को समझते हैं पहले की हो जाती है तो इसका भी यही वजह है कि वो एच कट के बराबर है यानी इतनी इसमें अनसर्टेनिटी रखी गई है अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम दोनों को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते तो उसका मतलब यह है दोनों ही मशकूक हो जाते हैं सामल्टेनसली अगर हम अवेयर करने की कोशिश करें और वो जो मशकूक है वो फ्लोकुशन पैदा करता है वो स्पेसिफिक स्टेट में और स्पेसिफिक टाइम में अनसर्टिन वजह से जो फ्लक्चुएशन पैदा होती हैं ये जो है स्पेस और टाइम को जोड़ते हैं कायनाथ में वैसे भी जब हम फोर्सेस की बात करते हैं पार्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ फील्ड्स की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड न्यूक्लियर फील्ड वगैरह तो ये फील्ड जो है आगे कैसे कह, कह, कहाँ कहाँ से पैदा हो रहे हैं इनका औरिजिन क्या है या इनको जनरेट करने वाली कौन सी चीज़ है वहाँ हम पार्टिकल का जिक्र करते हैं फोटोन का जिक्र करते हैं ग्लोवान गु, गु, का जिक्र करते हैं पाईबीजान का जिक्र करते हैं बोजान का करते हैं तो ये वर्चुअल पार्टिकल जो एक्सचेंज होते हैं और फोर्सेस और फील्ड की बहस बनते हैं बिल्कुल इसी तरीके से एनर्जी और टाइम के में वर्चुअल पार्टिकल जो है वो चेंज होते हैं जो इनको आपस में रबता इनका रब जो है वो बरकरार किए रखते हैं और इनकी वर्चुअल पार्टिकल जो है इनकी क्रिएशन एनहेलेशन जो है वो इनको जुड़े हुए है वर्चुअल जो मतलब है जो हमें प्रॉपर नज़र नहीं आते लेकिन वो हो रहे हैं इसकी मैंने पिछली वीडियो में मिसाल दी थी जीनड चेलों की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस बेस में फिर रहा है हमें नज़र नहीं आता लेकिन हम एंटीना लगा के उससे बहुत सारे काम ले रहे हैं जिसमें हमारी टेली कम्यूनिकेशन भी है जी पी एस सिस्टम भी है जी सिस्टम भी है काम में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उसमें डायरेक्टली डायरेक्टली हम उसके इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरीके से जेनरल चिड़ेले ले हैं वो नज़र नहीं आते लेकिन जब हम उससे छेड़छाड़ करते हैं तो अपने प्रेजेंस को शो करते हैं इसी तरीके से अगर आप जेनर चलो को अपने कंट्रोल में ले आएँ तो उनसे जो काम आप चाहें वो लिया जा सकता है तो ये असल पीछे कहानी है उसकी स्पेस टाइम यूनिफिकेशन के पीछे अब हम बात करते हैं कि इसका कोई प्रैक्टिकल सबूत जो है ये आपने देखा होगा कश्म इफेक्ट कश्मर इफेक्ट हम उधर एमटी स्पेस वाले आई में इस्तेमाल करते हैं जहाँ भी करते हैं वो भी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि वर्चुअल पार्टिकल जो है अफज़ा में हैं और वो एक्सचेंज होते हैं और फीड जनरेट करते हैं कि प्लेटों को अगर मखसूस फासले पर स्पेस में रख दिया जाए कुछ अरसे के बाद वो प्लेटें जुड़ जाएगी और सवाल ये पैदा होता है वो क्यों जुड़ी कौन सी ताकत है कहाँ से वो आई तो उसकी वजह भी ये है कि ये इनके एक्सचेंज होने की वजह से फील्ड जनरेट हुआ है एक्सटर्नल फील्ड जो है इंटरनल फील्ड से बढ़ गया है ऊपर से दबाव बढ़ा है जिसने उस पर प्रेशर डाला है उनका फासला कम हो गया है और वो जो है प्लेटें जो हैं आपस में जुड़ गई हैं यहाँ तक मैं इसको बात को इसलिए खत्म करना चाह रहा हूँ कि स्पेस और टाइम का जो पैलेंस खबर था न्यूटर के दौर में कि स्पेस अलग चीज़ है टाइम अलग चीज़ है ये आजकल वो जो है वो ख़त्म हो गया है और आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी जो हैं वो सुपर एक्टिव हो गई हैं ये क्रैड जाता है स्टीफन हाइकर को जिसने इनको दोबारा जिंदा किया और बड़ी हैरानी वाली बात है करन सहन की सोच जो है बहुत पहले जो है कितनी बुलंद थी और यही चीज जो है हमारे आगे रिसर्च में हमें काम ले रही है जो आगे जाके स्पेस ट्रैवल ब्लैक होल वाइट होल और बाब होल का जिक्र बनेगा और इसकी वाद मिसाल जो है मलका बल तख्त जो है उसका शिफ्ट होना या वाक़ा महाराज है इस पर कभी तस् बात करेंगे मैं आपका बड़ा ममनून हूँ पहली जितनी मेरी वीडियो है आपने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है ख़ास तौर पर अपने तलबा तलाबा का क्योंकि छत्तीस साल बड़ा लंबा सा मैंने फील्ड में गुजारा है तो वो उनके लिए ये मेरी